नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट सबसे तेज सबसे सटीक में, और मैं हूँ सत्यम उपाध्याय। दोस्तों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और वैकेंसी आई हुई है जो कि न्यू दिल्ली सरकार के द्वारा निकाली गई है, और ये वैकेंसी आपको असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों के लिए क्रॉप्स जो कि जनरल सेंट्रल सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बी का ये पोस्ट है, जिसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड है। तो जानेंगे इसके बारे में फुल डिटेल में, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिए। और अभी जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल के, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर नई अपडेट आप तक आसानी से आपको पहुँचे। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको डिटेल में। यह है भारत सरकार, जो कि ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, भारत सरकार और कृषि कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा नई कृषि भवन नई दिल्ली में से रिलेटेड है। ये पत्र हो गया, ये नोटिफिकेशन नंबर भी दिया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वैकेंसी सर्कुलर में देखिए क्या क्या दिया है, आप इसको देखिए, हम बता रहे हैं आपको। सब्जेक्ट जो लिखा है उसमें फिलिंग अप टू पोस्ट, दो पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के जो कि क्रॉप और है, और ये आपका लेवल 8, ये नीचे यहाँ आपको दे रहा है, और इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, लेवल 8 और ग्रुप बी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो ग्रुप बी बहुत ही अच्छा ये पोजीशन है, और इसका पे स्केल आपको जानेंगे। तो पे स्केल इसका 47,600 टू 1,51,100 रुपीज़, जो कि आपको बहुत ही अच्छा है। और इसमें पे मैट्रिक्स पे आपको 9,300 से 34,800 रुपये है, विथ ग्रेड पे 4,800 रुपये है। तो ये बहुत ही अच्छा, हमारे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा जॉब है, तो आप सभी को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके अगल बगल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्त को भी हेल्प करें, इसको बताएं कि वो अगर नज़दीक है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा ये मौका है जो कि अप्लाई करने का, तो उससे भी शेयर कीजिए। तो इसके बाद भी चलिए आगे आप देखिए इसमें क्या लिखा है, हम आपको नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी आप इसको लिंक को ओपन करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। फिर क्या क्राइटेरिया क्या होगी एलिजिबिलिटी, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, जो कि कुछ होल्डिंग एनअल ये इसेंट ये दिखा है, ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी गवर्नमेंट। ये मतलब कहने का तो ये है कि ये सेमी गवर्नमेंट जॉब है, तो ये भी ठीक है, आजकल बहुत कम गवर्नमेंट जॉब निकल रहा है, तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं अगर खाली बैठे हैं तो कोई ये, तो इसको भरिए आप लोग। इसमें इस एनटीएल में क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब एग्रीकल्चर से आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आप इसे भर सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा है, क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड और कैश क्रॉप। कैश क्रॉप और प्रोडक्टिविटी का आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो इसको भरिए। और इसके अलावा अगर मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है, एग्रोनॉमी में है, इंटोमोलॉजी में है, तो इससे भी भर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर बॉटनी वाले भी इसको भर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत से सब्जेक्ट के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो जो इनको देख सकते हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री अगर इंजीनियरिंग किया है वो भी भर सकता है। तो मैंने बोला, आपसे पहले ही बोला है कि इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा नोटिफिकेशन का पेज है, तो इसको फास्टली हमको बताना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपका एज लिमिट इसमें बता दे रहा हूँ क्या है, जो कि आपका मैक्सिमम 56 ईयर, तो बहुत ही अच्छा है, मैक्सिमम 56 ईयर, मतलब उसके नीचे के लोग आराम से भर सकते हैं। और जो लिखा है, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट बाई डुप्लीकेशन ऑफ इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये नो एक्सपेंडिंग 56 ईयर से ऊपर के लोग नहीं भरेंगे।
इसके बाद पीरियड ऑफ डिप्यूटिंग का ये है, जो देख लीजिएगा कैसे भरना है। ये देखिए, ये इसका वो दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, जो कि हम बता दे रहे हैं। फॉरवर्ड कहाँ करना है एप्लीकेशन को, वो बता दे रहे हैं। एलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मे बी फॉरवर्डेड टू शाह सुशील सुनील कुमार समकार का है ये, अंडर सेक्रेटरी, रूम नंबर 37, ग्राउंड फ्लोर एफ विंग, कृषि भवन, न्यू दिल्ली। और ये उसका पिन कोड है। विद इन 16 डेज, 60 डेज के अंदर इसको भर के आपको फिल कर देना है। और ये आपका न्यू फॉरवर्डेड थ्रॉट, प्रॉपर चैनल और दर्जे रिसीविंग विथआउट द, ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और कॉपी फॉरवर्डेड ऑफ जो लिखा है उसको भी देख लीजिएगा, सुनील कुमार श्रीवास्तव के द्वारा ये दिया गया है। और ये देखिए, इसमें आपको हम ये आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये दिया हुआ है, इसको भरने का अंतिम तारीख हमको आपको दिखा दे रहे हैं बैक आकर। ये देखिए, agricoop.nic.in पे ये लिखा हुआ है, होम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में रिक्वायरमेंट ये दिया हुआ है, जिसको हम पहले भी क्लिक कर चुके हैं, फिर से क्लिक करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, क्लिक करने पे आया, ये देखिए, ये पहला ही नोटिफिकेशन है इसमें, जो कि ये वैकेंसी वैकेंसी टाइप एक्टिव है। और ये है पहला नोटिफिकेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर क्रॉप, ये 1 2020 तक है। इसके बाद भी एडवर्टाइजमेंट एक और दिया हुआ है, जो कि हम आपको बाद में बता दूंगा, अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक और वीडियो दिया, इसका नोटिफिकेशन दिया है, तो इसके संग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और न्यू अपडेट जानते रहिए। तो चलिए उसके बारे में, ये देखिए फॉर्म ऐसा ही होगा, तो इसको आप लोग प्रिंट आउट या देख लीजिएगा, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कैसे निकालना है ये सब फॉर्म है, और इसको आप लोग भर दीजिएगा। और सेकेंड वीडियो में आपको मैं एक और नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हूँगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।